तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 3 डिफरेंट सीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द 3 कॉलम्स ऑफ ए डेटा फ्रेम df। मतलब हमें गिवन है कि एक डेटा फ्रेम है और डेटा फ्रेम का जो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, जो कॉलम 1 है उसको एलिमेंट्स को निकालना है, हमें एक सीरीज बनाना है, जो कॉलम 2 है उसका भी एलिमेंट्स निकाल कर सीरीज बनाना है, जो कॉलम 3 है उसका भी हमें एलिमेंट्स निकाल कर एक सीरीज बनाना है। तो इसमें भी कुछ है नहीं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। तो मैंने एक डिक्शनरी लिया है क्योंकि मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है डिक्शनरी का, जो डेटा फ्रेम कॉलम होगा ये पहला होगा, पहला एलिमेंट्स होगा, अब दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट्स होगा और तीसरा कॉलम तीसरा एलिमेंट्स होगा जो डेटा फ्रेम बनेगा। तो मैंने df नाम करके एक डेटा फ्रेम बनाया है, तो मैंने pd करके एक डेटा फ्रेम बनाया है जो कि d एक डिक्शनरी है। तो मैंने प्रिंट df कर दिया, आपको मैं दिखा देता हूँ df दिखता कैसा है, तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ये कॉलम 3 के एलिमेंट्स है उसको एक सीरीज बनाना है, जो कॉलम 2 के हैं उसका भी एक सीरीज बनाना है, जो कॉलम 3 है उसका भी एक सीरीज बनाना है। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो मैंने क्या किया है, एक डेटा दिया है df का, जो df है वो एक डेटा फ्रेम है। तो हमने क्या किया है, एक df.column नाम का एक एट्रीब्यूट लगाया है जो कि हमें पहला कॉलम दे देगा। हमने इसमें एक इंडेक्स दिया है 0 मतलब पहला कॉलम। अब हमने s1 करके दूसरा सीरीज बनाया है जिसमें कॉलम दूसरा होगा, डेटा फ्रेम का कॉलम दूसरा, जो मैंने पोजीशन दिया है 1 मतलब दूसरा कॉलम देगा। अब जो ये 3 तीसरा कॉलम दे देगा df. मैंने एक df करके मैंने एक df उसके अंदर भी एक लिस्ट दिया हुआ है जो कि लिस्ट में है df.columns, कॉलम्स 2 के एक लिस्ट दे देगा, कॉलम 3 होगा। डेटा फ्रेम के कॉलम से सीरीज बनाने का एक और तरीका है डेटा फ्रेम के कॉलम्स के नाम। मान लीजिए आपके पास डेटा फ्रेम है, आप उससे एक सीरीज बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, उसमें 3 कॉलम है, नेम, टीम और नंबर। मुझे नेम से एक सीरीज बनाना है तो आपको बस एक सिंटेक्स लिखना होगा जैसे आप सीरीज बनाने के लिए लिखते हैं, pd.series, सीरीज के अंदर आपको एग्रीमेंट देना पड़ेगा df, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम देना पड़ेगा। अरे वाह, गुड आइडिया। df जो कि हमारा एक डेटा फ्रेम है और उसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा कॉलम का नाम जिससे आप सीरीज बनाना चाहते हैं। जैसे मैं नेम से सीरीज बनाना चाहता हूँ, तो नेम जो है वो कॉलम का नाम है, df उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कॉलम का नाम दूंगा। आप उसी तरह से आप टीम से भी बना सकते हैं सीरीज, pd.series, उसके अंदर एग्रीमेंट पास करेंगे df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टीम। उसी तरह से तीसरे कॉलम से आप सीरीज बना सकते हैं, df उसके अंदर कॉलम का नाम दे दीजिए, बस सीरीज बन जाएगा। तो मैं अब इसे प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ कि यह कैसा दिखता है। s में प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं जो पहले कॉलम का वो एक सीरीज बन गया ऑब्जेक्ट, अब जो नेम रहा वो कॉलम रहा है सीरीज। s1 प्रिंट करता हूँ तो दूसरे कॉलम डेटा फ्रेम का दूसरे कॉलम का एक सीरीज बन गया है जिसका नेम हो गया है कॉलम 2। जो s2 है वो डेटा फ्रेम के तीसरे कॉलम से सीरीज बना हुआ है। तो यहाँ पे s3 नाम का कोई सीरीज नहीं है इसलिए एरर आया है, तो s2 नाम का ये सीरीज था। तो आप देख सकते हैं कि जो s2 है वो तीसरे कॉलम से बना हुआ है। तो क्वेश्चन में यही था कि जो कॉलम 1 है वो एक सीरीज बनाना है, कॉलम 2 से सीरीज बनाना है, कॉलम 3 से भी सीरीज बनाना है।